चर्चा में शिव की तस्वीर, प्रसाद, पुष्प, आरती ये सब कर सकते हैं या नहीं? हाँ कर सकते हैं। शिव की चर्चा में आपको प्रसाद चढ़ाना हो जरूर चढ़ाइए, अगरबत्ती जलानी हो जलाइए, लेकिन जब भीड़ ज्यादा हो जाएगी ना तब इतने लोगों में प्रसाद बांटने में आपका मुड़ ही जाएगा फूल। कई जगह कई राज्य हैं जहाँ शिव शिष्य बहुत ज्यादा हैं, वहाँ कई जगह आरती में गुरु बहनों की साड़ी में आग लग गई और वो जल गई। नेपाल में गुरु बच्चा था, वो आरती के लिए थाली में हाथ बढ़ाया तो रुई का जो रहता है जलता हुआ टुकड़ा उसकी आँख में गिर गया, उसकी एक आँख फूट गई। तो भीड़ में नहीं, आप अपने घर में जरूर आप अगरबत्ती जलाएं, प्रसाद चढ़ाएं, आरती करें, कोई हम लोगों का सुविधा नहीं है, काहे कोई रोकेगा भैया, आपका गुरु तो कुछ रोकता ही नहीं है, वो तो शिव है, जगत का गुरु है, जगत में तो तरह तरह के लोग रहते हैं, वो कैसे किसी को रोक देगा। आप चढ़ाइए लेकिन थोड़ा सा सुरक्षा का भी ध्यान रखिए। आप प्रसादी चढ़ाइए तो हम लोग रहें तब चढ़ाइए, बढ़िया बढ़िया रसगुल्ला, पंतोआ, कहे कि महादेव तो खाएगा नहीं, उसको तो शरीर है नहीं बेचारे को, वो तो खा नहीं सकता है। शरीर रहेगा तब ना भोजन, शरीर रहेगा तब ना कोई सोएगा। एक बार महादेव ने मुझसे कहा था कि बेटा हमको शरीर है जो हम खाएंगे, बिल्कुल सही है, शरीर है तब ना भोजन, शरीर है तब ना कोई सोएगा, शरीर है तब ना कपड़े लत्ते, शरीर है तब ना सवारी, जगह शरीर ही नहीं है तो वो तो खाएगा नहीं, लेकिन हम लोग तो खाएंगे ना, तो हम लोग को तो चाहिए बढ़िया बढ़िया एटम बम, रसगुल्ला, चमचम। आप चढ़ाएगा इलायची दाना तो क्या खाएगा, कहेगा दूर हटा। कुछ गुरु भाई बहन कहते हैं कि हमारे ऊपर महादेव आते हैं, कहाँ तक सत्य है? एक बात बताइए, एक सवाल, ये सवाल है, हमारे ऊपर महादेव आते हैं या हमारे ऊपर भगवती आती हैं या हमारे ऊपर ब्रह्म आते हैं? इस तरह कई सवाल कई जगह हुए हैं। एक बात बताइए, कोई शरीफ आदमी आपके घर में आपसे बिना पूछे जाएगा? कोई भले आदमी, कोई जेंटलमैन, कोई शरीफ आदमी आपके घर में आपसे बिना पूछे जाएगा? दरवाजे पर खड़ा होगा, पूछेगा कि फलना बाबू हैं, कहिएगा कि हैं, तो कहेगा कि जरा हमको मिलना है, तब आप कहिएगा आइए बैठिए, तब वो बैठेगा? कोई भले आदमी तो बिना पूछे आपके घर में नहीं जाएगा, आज चोर उचक्का पूछ के जाएगा, परमिशन लेके जाएगा कि हम आपके घर में जाने चोरी करने, वो तो घुस जाएगा चुपचाप। तो शिव से बड़ा कोई भले आदमी है, भगवती से बड़ा कोई है, गणपति से बड़ा कोई है तो आपके घर में जाएगा तो पूछ के ना जाएगा? आपके देह पर महादेव आ रहता है, उनको बैठने का जगह नहीं है कहीं का? आपके देहिये पर बैठेंगे वो? भगवती आ रही है, भगवती को जगह नहीं, कणकण में तो विद्यान विद्यमान है, आपके देहिये पर कहे आवेंगे, इसे बताइए ना। वो भगवती नहीं है चोर उचक्का, वो महादेव नहीं है लफुआ। होशियार होइए, उसको ठीक कीजिए, महादेव समझ के उसको पूजिए, नहीं उसे लुच्चा। महादेव किसी के शरीर पर नहीं आता, वो भगवती किसी के शरीर पर नहीं आती, ये अच्छे लोग किसी के शरीर पर नहीं आते, कभी कोई भले आदमी किसी के शरीर पर नहीं जाता, उसको अपनी बहुत सारी जगह है रहने को, आपके घर में वो क्यों रहेगा? आपको वो घर देता है, आप ही के घर में वो रहेगा। एक जैसा है कि कुछ भक्त लोग मांस मछली खाते हैं तो इसका अर्थ तो जीव हत्या है, क्या ऐसा करना उचित है? देखिए, जीव हत्या को तो कभी नहीं कहा जा सकता कि उचित है, लेकिन एक बात बताइए, आपके अंगूठे का निशान किसी दूसरे के अंगूठे के निशान से मिलता है क्या? आपकी आंखों की पुतली दूसरे किसी दुनिया में किसी की आंखों की पुतली से मिलती है क्या? विज्ञान कहता है नहीं मिलती। यानी इस दुनिया में भिन्न भिन्न प्रकृति और प्रवृत्ति के लोग हैं, जब अंगूठे का निशान नहीं मिलता, आंख की पुतली एक जैसी नहीं होती, तो आपकी चाहत, आपकी अभिलाषा, आपकी आकांक्षा, आपकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स, जो जिसको आप कहते हैं आपकी पसंद आपकी नापसंद, एक कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती। जैसे शिव गुरु हैं, तो शिव गुरु तो जगत के गुरु हैं ना, तो वो ईश्वर है ना, वो परमात्मा है ना। तो समुद्र के किनारे जो मछुआरे रहते हैं और मछलियों को मार के अपना जीवन यापन और अपने परिवार को पालते हैं, क्या उनका महादेव नहीं है क्या?
उन्हीं का है जो हम लोगों की तरह सब्जियां खाते हैं, उन्हीं का है जो हम लोगों की तरह साग भाजी खाते हैं। वो समुद्र के टापुओं और नदियों के किनारे रहने वाले मछुआरे या वो पलने वाले लोग जंगलों में जो रहते हैं, जिनको पास सब्जियां नहीं मिलती, वो जानवरों को मार के खाते हैं या मछली खाएं या जो भी खाएं, वो क्या उनका महादेव नहीं है? क्या उनका परमात्मा नहीं है? तो क्या उनको अपने गुरु शिव को अपना गुरु मानने का अधिकार नहीं है? अब हत्या सही हो या गलत हो, जीव हत्या सही हो या गलत हो, ये तो आपको बाघ से भी पूछना चाहिए, जो कि मानसी खाता है, घास नहीं खा सकता बेचारा, वो भी तो हत्याएं ही कर रहा है। तो जीव हत्या किसी भी हालत में सही नहीं है, लेकिन क्या करिएगा, जीवन जीने के लिए तो कुछ करना पड़ता है। और ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो ऐसा जीवन जीते हैं, शिव उनको मना नहीं कर सकता, क्योंकि वो जगत का गुरु है, वो भी भगवान के बेटे हैं, और भगवान को पाने का उनको भी उतना ही अधिकार है जो साग सब्जियां खाते हैं। सबको तो बराबर का हिस्सा। कहते हैं गुरु 9 प्रकार के होते हैं, तो हमें किस गुरु को या कैसे गुरु को परम गुरु या मोक्ष का गुरु माना जाए? ये MB शर्मा जी हैं मालसोपारा ईस्ट से। गुरु 9 प्रकार के होते हैं, कहीं पढ़ लिया, हम तो पढ़ के नहीं किए। कैसे, दूसरा सवाल है कैसे गुरु को गुरु माना जाए जो मोक्ष गुरु हो? भैया लईकाई से हम सीखे हैं सो हम बता देते हैं, हमको नहीं पता। हमको एक बार घोरी बोला था कि मोक्ष रखोगे ना तो मोक्ष मिल जाएगा, तब से हम देखिए थोड़ा थोड़ा मोक्ष रखते। अब वो भाई साहब को हम क्या बताएं? वैसे शिव परम गुरु ही नहीं, गुरु भी हैं। आप शिव को गुरु मान लीजिए, छोड़िए कौन कौन डिजाइन का गुरु होता है, आदमियों बहुत डिजाइन का होता है। अंधेरी वेस्ट से है, ओम को क्यों मंत्र से हटाया गया? एक भाई ने पूछा है ओम को मंत्र से क्यों हटाया गया, हम कहला टमें आप कहला जोड़े हैं सो बता दीजिए। तो ये तो सवाल हो सकता है, अरे भाई ओम मंत्रों का श्री है। एक आदमी बॉम्बे से लिख रहा है चिट्ठी, काम करने आया है बेचारा, बाहर का है, तो अपनी पत्नी को लिखेगा श्रीमती फूल कुमारी, श्रीमती नाम मान लीजिए, उसके पत्नी का नाम मान लीजिए फूल कुमारी है, तो लिफाफा में लिखेगा श्रीमती फूल कुमारी, लिखेगा ना श्री लगाया अपनी पत्नी के नाम पर, और लिफाफा के भीतर जो चिट्ठियां रहेगा उसमें क्या रहेगा, मेरी फूल कुमारी, हट गया ना, प्यारी फूल कुमारी, हट गया ना। तो ये सम्मान सूचक शब्द है, श्री है, मोहम्मद है, मिस्टर है, मिसेज है, मिस है, हमारे यहाँ श्री है, आर्यावर्त में श्री है। ठीक उसी तरह से जब आदमी के नाम को इतना सम्मान दिया गया तो देवताओं के नाम को नहीं दिया जाएगा, इसीलिए हर एक मंत्र के पहले श्री लगाए, यानी ओम लगाए, सम्मान दिया गया। लेकिन जब भीतर आइएगा, जब उसको अपना बनाइएगा तो श्री हट जाएगा। अपने बेटे को आप पुकारते हैं श्री बहू, श्री रामू इधर आइए, जब बोलिएगा श्री रामू इधर आइए तो बेटा बूझ जाएगा जरूर पापा बिगड़ा हुआ है, श्री बोल रहा है हमको, तो श्री हट जाता है। इसीलिए नमः शिवाय जब जपा जाएगा तो ओम हटा दिया जाएगा। लेकिन ये सिद्धांत कभी कभी गलत हो जाता है, बहुत सारे मंत्र हैं जो ओम के साथ बने हैं। बहुत आदमी का नाम होता है श्री राम ठाकुर, उसमें से कैसे हटाइएगा? बहुत आदमी का नाम है श्री कृष्ण सिंह, अब हटाइए, उसमें अलग से लिखना पड़ता है हम लोगों को श्री श्री कृष्ण सिंह, अलग से श्री जोड़ना पड़ता है। ठीक उसी तरह से कुछ शिव के मंत्र है जो इसमें ओम लगा हुआ है, उसमें से नहीं हटेगा, जैसे ओम नमो नमः शिवाय, इसमें से नहीं हटेगा, ओम नमो नमः शिवाय, शिव को दो बार प्रणाम कर दिएगा, इसमें से नहीं हटेगा। लेकिन नमः शिवाय पंचाक्षर है, बड़ा पुराना मंत्र है, इसमें ओम लगा हुआ नहीं है, अलग से लगाया गया है सम्मान देने के लिए, लिखना गलत नहीं है, बोल सकते हैं आप ओम नमः शिवाय, लेकिन जब अपना बनाइएगा तब ओम हटेगा। वैसे ओम नमः शिवाय भी जपिएगा तो हर्ज नहीं है, लेकिन सही मंत्र है नमः शिवाय, जो पंचाक्षर है, पांच अक्षरों का है, शंकराचार्य ने भी इसी की स्तुति की थी। एक आखिरी जिज्ञासा नहीं है, निवेदन है। ये श्री राम जी दमन से हैं गुरु भाई साहब जी, 2014 तक संपूर्ण मानव सृष्टि शिव को अपना गुरु मान ले, इसे पूरा करें और हमें न रुलाएं।
मैंने वो चाहते हैं कि 2000 तक तो पूरी मानव सृष्टि शिव शिव से हो जाए। सलाम रे बाप से नहीं महादेव से हो सकता है। चलिए हम सब मिलके महादेव से प्रार्थना करते हैं कि हम सबों को वो ऐसी हम लोगों पर ऐसी दया करें कि सब लोग हम लोग सचमुच में शिव के शिष्य बने, शिव को जाने, शिव को समझें और शिव शिष्य वास्तव में बने, यथार्थ में बने। हम यही अपने गुरु से प्रार्थना करते हैं और यही अनाधिकार आशीर्वाद भी हम शिव शिष्य के रूप में आपको देना चाहते हैं कि आप सचमुच में शिव के शिष्य बनिए। और फिर आपने कभी चाहा तो मैं कल्याण आऊँ या महाराष्ट्र आऊँगा, समय मिलेगा तो ज़रूर आऊँगा, आप बुलाएंगे तो। तब तक के लिए मेरा प्रणाम, आप सभी लोग अपने चरणों में स्वीकार करिए। आप लोगों को मेरा प्रणाम।